हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अनवांटेड 72 जो है या गर्भ निरोधक गोली जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है 21 दिन वाली गर्भ निरोधक गोली, जिसको एक टैबलेट डेली लेना रहता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। होती है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो है इमरजेंसी पिल्स हैं, केवल इमरजेंसी के दौरान ली जाती है। ये आपको अनवांटेड 72 और पिल्स के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो आप जानते हैं ये अनवांटेड 72 की जो टैबलेट है ये क्या होती है। अनवांटेड 72 की जो टैबलेट है ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, जिसे हम लिवोनॉर्जेस्टेरोन कहते हैं। ये मेडिकल पर आपको 99 MRP में मिल जाएगी। जानते हैं कि अनवांटेड 72 टैबलेट है उसको लेने का सही तरीका क्या है। अनवांटेड 72 की जो टैबलेट है ये टैबलेट तब लेते हैं जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं और कोई गर्भ निरोधक तरीका नहीं अपनाते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी का डर है, ये दवा प्रेगनेंसी को रोकती है और इस दवाई के अंदर जो हार्मोन है ये शुक्राणु और अंडे से मिलने को रोकता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ना हो। और दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनवांटेड टैबलेट की जो गोली है वो कब लेनी है। इस गोली को सेक्सुअल एक्टिविटी करने के 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं। और आपने इस गोली को अगर 24 घंटे के अंदर दे दिया है तो इसका आपको 95% रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के 24 से 38 घंटे के अंदर देते हैं तो आपको लगभग 85% इसका इफेक्ट या लाभ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप इस टैबलेट को 24 घंटे के अंदर लेते हैं तो इसका असर जो रहता है बहुत ही अच्छा मिलता है। जब आप अनवांटेड 72 की टैबलेट लेते हैं और आप उसको लेने के बाद आपको 3 से 3 हफ्ता या 3 वीक तक अगर पीरियड नहीं आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले। बहुत सी महिलाएं अनवांटेड 72 की टैबलेट ले तो लेती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये टैबलेट उनको कितना साइड इफेक्ट करेगा। कई बार कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको लंबे समय तक परेशान करते हैं। आपने अनवांटेड 72 की टैबलेट ले ली है तो वो आपको कुछ समय तक परेशान करता है। जैसे मान लीजिए 7 से 8 दिनों तक आपको ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है, पीरियड्स नहीं होते, इसको हम रिबॉर्न ब्लीडिंग कहते हैं, कई महिलाओं में होती है। इसके अलावा आपको इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, पीरियड की जो डेट है वो आगे पीछे हो सकती है। कई बार कई महिलाओं को 1 से 1.5 महीने तक पीरियड नहीं आता है। डॉक्टर का मानना है कि अगर आप अनवांटेड टैबलेट या अनवांटेड 72 की टैबलेट आप ले रहे हैं तो वाली जो आपकी प्रेगनेंसी है उस पर इस दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को और आपको जरूर शेयर, ताकि ये जानकारी उनको मिल सके। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।